हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th सोशल साइंस सब्जेक्ट में ये 18 नंबर का चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, तो उसके बारे में हम देखेंगे। वी नो दैट द मैन इज थिंकिंग सोशल एनिमल एंड इंटेलिजेंस है, ये उसको मिली हुई एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, जो यदि मैन को अपनी फीलिंग फियर हैप्पीनेस सॉरो है ये क्या करता है, तो ह्यूमन बीइंग उसको एक्सप्रेस करता है हैप्पीनेस को शेयर करने से, उसकी हैप्पीनेस है हैप्पीनेस एनहेंस होती है, और दुख को सॉरो को शेयर करने से वो लाइटनेस। सेकंड पैरा देखे, एन एलेबरेट सिस्टम ऑफ सेंडिंग और द रिसीविंग इंफॉर्मेशन या मैसेजेस, एक प्लेस से आप वन प्लेस टू अनदर यदि आप इंफॉर्मेशन या मैसेज को भेजते हो तो उसे कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पर जाना जाता है। पहले के टाइम में किस तरीके से कम्युनिकेशन करते थे, तो के मैसेज सेंट बाय बीटिंग ड्रम्स, ड्रम को बीट करते। दूसरा है कि फटाके जलाकर, वेविंग फ्लैग, शाउटिंग लाउडली और ड्रॉइंग पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ करते हुए भी बनाते थे, पिक्चर को ड्रॉ करते हुए भी मैसेज सेंड करते थे। द डेवलपमेंट ऑफ द हायरोग्लिफ माइट हैव स्टार्टेड विद द लैंग्वेज एंड द मैसेजेस वुड हैव बीन कन्वेड दैट वे। सम टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स से उसको भी मैसेज को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनिशियली द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम जैसे जैसे गया, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, सैटेलाइट, इंटरनेट, ये सभी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इजियर होती गई। कम्युनिकेशन हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। ये वर्ल्ड है वो वर्ल्ड अभी टाइम के एस्पेक्ट से हम देखें तो अभी बहुत ही छोटा हो गया है। मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम ने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज हो इस तरीके का बना दिया है। प्रेजेंट इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही स्थिर है। एंड वी हैव बिकम कैपेबल, हम जो लाइव इवेंट है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर जो लाइव इवेंट हो रही हो तो उसको हम देखने में समर्थ है, वो पूरे वर्ल्ड में देखने में समर्थ है, ये वर्ल्ड अर्थ की सरफेस पे हो या स्पेस पर हो। अलोंग विथ द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट द कंट्री एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि नेचुरल डिजास्टर देखे, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इन सभी को, सुनामी, इन सभी का मैनेजमेंट करने के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम ज़रूरी है, बिना इसके है वो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद पोस्टल सिस्टम की बात करें तो द रिटन मैसेज हैव टेकन प्लेस अर्लियर, द सिम्बोलिक एंड द वर्बल मैसेज थे उसकी जगह किसने ले ली, पोस्टल सिस्टम ने। अभी जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है वो कब 1854 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो दूर रहते थे उसको लेटर के थ्रू है वो क्या तो के मैसेज दिया जाता था वो उसके रिलेटिव, फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकती है, मर्चेंट है उसने ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया था, एंड ये क्या तो के लेटर, ग्रीटिंग कार्ड की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते थे, और वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर है वो आप लेटर भेज सकते थे। नेक्स्ट, इन अवर कंट्री वी कैन सेंड मैसेजेस एंड इनलैंड लेटर एनवेलप्स है वो बहुत ही चीप रेट में, कम दाम में भेज सकते हैं और शॉर्ट टाइम में पहुंच जाता है।
कैन सेंड बाय द रजिस्टर आईडी, मनी भेजना है तो मनी ऑर्डर के थ्रू, कोई भी चीज़ भेजनी है तो पार्सल के थ्रू आप भेज सकते हो। नेक्स्ट देखें टेलीग्राम। तो टेलीग्राम वॉज इन्वेंटेड, टेलीग्राम का इन्वेंशन 1850 में फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस है वो इंडिया के अंदर है, वो कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के बीच में हुई। स्मॉल विलेजेस वायर क्विकली डिलीवर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर बाय टेलीग्राम। स्मॉल मैसेजेस है वो क्विकली, आप बहुत ही जल्दी है वो वन प्लेस टू अनदर है वो टेलीग्राम की मदद से भेज सकते हो। दिस वॉज फॉलोड बाई द एक्सप्रेस टेलीग्राफ फैसिलिटी विच वॉज, क्या थी तो कि बहुत ही कॉस्टलियर थी, यानी कि इसके लिए खर्च है वो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा लगता था। दिस मैसेज वॉज इमीडिएटली रिसीव्ड बाय अ पर्सन एंड द फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज इन इंडिया फ्रॉम 13th July 2003। अब ये फैसिलिटी इंडिया में कब बंद की गई तो कि 13th July 2003 के अंदर, क्योंकि इससे भी बेहतर है वो, बेहतर टेलीकम्युनिकेशन के मीडियम है वो आ गए थे। नेक्स्ट देखें बुक्स। बुक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। बुक्स को क्या बताया गया है कि नॉलेज का एक स्टोर हाउस के तौर पर हम कह सकते हैं। बुक्स हैव बीन सक्सेसफुल इन पासिंग द नॉलेज आइडिया एंड अचीवमेंट। अभी बुक्स क्या कर सकती है तो कि नॉलेज है, आइडिया है और अचीवमेंट्स है, ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है वो शेयर कर सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। अभी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कोई किसी भी तरीके का आइडिया है, नॉलेज है तो वो सभी है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। बुक्स प्रमोट एंड डिसमिनेट्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इन द प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट्स हैव टू क्वालिफाइड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बुक्स आर हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। अभी आज के टाइम में स्टूडेंट्स है उसको यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर है वो क्वालिफाई होना है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन के लिए बुक्स है वो बुक्स हेल्पफुल रहती है। द ट्रेंड ऑफ ई बुक हैज़ इंक्रीज इन प्रेजेंट टाइम। अभी आज के टाइम के अंदर ई बुक है वो आज के टाइम के अंदर उसका ट्रेंड है वो बहुत ही इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखें न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ब्रिंग्स टू अस एन इवेंट हैपनिंग इन द एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट आर्बिट्री डायरी। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करना हो, एल्मनैक, स्पेशल डेज, डेट्स, क्वांट्रेंट्स एटसेट्रा। मैनी डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश इन द वेरियस लैंग्वेज इन अवर कंट्री। कई सारे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स है वो इंडिया में कई सारी लैंग्वेज के अंदर पब्लिश किए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें रेडियो। रेडियो इज एन ऑडियो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऑडियो मीडियम कम्युनिकेशन का है वो म्यूजिक, फोक सॉन्ग, फिल्म सॉन्ग, सेमिनार, स्पोर्ट न्यूज, ड्रामा, वेदर न्यूज, मिसिंग पर्संस, अनाउंसमेंट, न्यूज़, स्टोरीज आर हर्ड ऑन द रेडियो। रेडियो के अंदर हम कौन से प्रोग्राम को हम सुन सकते हैं तो म्यूजिक है, फोक सॉन्ग्स, फिल्म सॉन्ग, सेमिनार, स्पोर्ट न्यूज, ड्रामा, वेदर न्यूज, मिसिंग पर्सन की अनाउंसमेंट, ह्यूम, स्टोरीज एटसेट्रा। इन एडिशन टू दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर सच एज रेन, फ्लड्स, साइक्लोन इज गिवन। इसके साथ साथ ही है वो हमें न्यूज़ भी प्रोवाइड करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिजास्टर है वो बाढ़ आई हो, बहुत ही ज़्यादा रेन हो, साइक्लोन की स्थिति हो तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन बताती है। रेडियो फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल इन मोबाइल फोन। आज के टाइम के अंदर रेडियो फैसिलिटी है वो मोबाइल फोन के अंदर भी अवेलेबल है।
नेक्स्ट बात करें सिनेमा. अ सिनेमा इज ऑल्सो पॉपुलर अ मीन्स फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, दोनों के लिए है. वो सिनेमा है, वो सिनेमा हेल्पफुल है जो एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट दोनों कर सकता है. फिल्म एजुकेटेड सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, फिल्म से वो कई सारी फिल्म सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट से परिचित करवाती है. द वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल हैज चेंज थ्रू द फिल्म. फिल्म के थ्रू लोगों की का जो लिविंग है उसका थिंकिंग है वो चेंज हो सकता है. पीपल लर्न टू फाइट अगेंस्ट सर्टन कस्टम बिलीफ सुपरस्टिशियस ब्लाइंड बिलीफ ट्रप थ्रू सिनेमा. सिनेमा के थ्रू है वो कई सारे जो इविल कस्टम्स है बिलीफ्स सुपरस्टिशियस ब्लाइंड बिलीफ एंड डाउट इन सभी से वो लड़ सकती है. इसके बारे में उसे सिनेमा से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है. मैक्सिमम फिल्म्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया, कई सारी फिल्म्स है वो भारत के अंदर बनवाई प्रोड्यूस हुई है. उसके बाद जो टेलीविज़न है तो टेलीविज़न के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे. थैंक यू.